हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी सॉल्यूशंस। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 5.3 विच इज बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4, एज बिकॉज वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड 3 क्वेश्चंस। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज हेयर। निम्न दो चल राशि युक्त समीकरणों का विलोपन विधि से हल करें, मतलब कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 इस तरह का है, 3x + 2y = 6 एंड 2x - 3y = 17। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसे हम इक्वेशन 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में ही करती हूँ, लेकिन आप लोग को आंसर लिख के करना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर ही कर रही हूँ। तो हमें कोई एक एलिमिनेट करना है, यहाँ से कुछ भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो यहाँ प्लस माइनस है, इसे एलिमिनेट करना ज्यादा इजी है, तो हम वाई को ही एलिमिनेट करते हैं। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ करेंगे 2 से, तभी 6 होगा और दोनों में जो कि कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 ले लिया और यहाँ ले लिया 2। ठीक है, क्रॉस मतलब आपको देखना है कि जो यहाँ होता है उसको इस वाले से करना होता है और जो यहाँ होता है उसको इस वाले से करना होता है, ये ध्यान में रखो, बहुत इजिली बन जाएगा। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9x - 6y = 6 3 18। ठीक है, फिर इस 2 को इससे, तो ये हो जाएगा कितना, 4x - 6y = 17 2 34। अब ये प्लस माइनस है, इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस, यहाँ पे बाय एडिंग लिखेंगे। ठीक है, बाय एडिंग, क्योंकि मैं जोड़ने पे, अगर घटाने पे हम करते तो हम यहाँ माइनस 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 का साइन लगाते, बट ये हम जोड़ने पे ही कर रहे हैं, दोनों को ऐड ही कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 4 13x, और ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 12 और ये 4 5 52। ठीक है, तो 13x = 52 आया, दैट इज x = क्या आ जाएगा, 52/13। 13 4 52, 4 टाइम्स में कट जाता है, दैट इज 4। एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया, 4। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कि x = 4। ठीक है, अब लिखेंगे बाई पुटिंग x = 4 इन, कोई भी इक्वेशन में आप एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम वाई निकाल सकते हैं। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम एक्स का वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या है, 3x + 2y = 6 है इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसमें एक्स का वैल्यू हम पुट कर देंगे कितना, 4, तो 3 × 4 + 2y, वाई एक्स की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, ये हो गया 12 + 2y = 6, दैट इज 2y = क्या हो जाएगा, 6 - 12, ये उधर जाएगा तो साइन चेंज, दैट इज यहाँ पे -6 हो गया, दैट इज y = -6/2, दैट इज -3। तो एक वाई का वैल्यू कितना आ गया, -3, और हमारे पास सोल्यूशन क्या मिल गया, 4 एंड -3। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 1, बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल भी 1 की तरह है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए छोड़ देती हूँ, ये मैं स्किप कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली बनाती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे टिपिकल क्वेश्चन भी हैं, तो इसीलिए हम ज्यादा जो टफ होगा मैं उसी को बताने की कोशिश करूंगी। तो हम करते हैं अभी 3rd नंबर। ओके, तो 3rd नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अजीब सा है, तो इसे हम मॉडिफाई करके इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं, तब इसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 1 है और ये है 2, तो 2 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगी, यहाँ पे x + 4 दिया हुआ है, हमें x और y के टर्म में इस साइड में रखना है। ठीक है, तभी एलिमिनेशन मेथड अच्छे से बन पाता है। तो ये हो गया x + 4 = यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5/2 है ना, तो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 से इधर, तो ये हो जाएगा 2x + 4 2 8। ठीक है, और ये 5 से अंदर, तो 5y + 5 4 20। ठीक है, दैट इज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x - 5y = 20 - 8 कितना हो जाता है, 12। तो ये हो गया, अब आया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को एक साथ रखते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ रख लेते हैं। नाउ x + y = 48 एंड 2x - 5y = 12, ये 1 एंड दिस इज 2 बाय मॉडिफाइंग दिस। ओके ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x, यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करें, थोड़ा धुंधला हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों 5y 5y हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो कट भी जाएगा, तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इसे 1 से। तो जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5x + 5y,
और ये 48 5 0, और ये हो गया 5 5 4 20 240, ठीक है। और इसे करते हैं तो 2x-5 पे कोई चेंज नहीं होगा, 12। अब बाय एडिंग कर देंगे, बाय एडिंग, ओके ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, और इसे ऐड करेंगे तो ये 2 और 5 5 हो जाएगा ये, और ये 2, मतलब कि 7x इज इक्वल टू कितना आ गया, 252। ओके अब x इज इक्वल टू यहाँ पे 252/7 करेंगे, जब इसे काटेंगे तो ये 36 टाइम्स में कट जाएगा, 7 3 का, हाँ 36 टाइम्स में ये कट जाता है 36। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 36। अब हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, तो किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 36 इन 1 में पुट कर देते हैं हम, ठीक है। 1 क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 48 है, तो x का वैल्यू कितना है, 36, 36 प्लस y इज इक्वल टू 48, ठीक है। दैट इज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 - 36, 48 में से 36 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो x का y का वैल्यू कितना आ गया, 12, और x का 36, दैट इज क्या हो गया, x इज इक्वल टू 36 एंड y इक्वल्स 12, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरह हमने थर्ड नंबर भी पूरा कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर का फोर्थ इस तरीके का है, ठीक है। तो इसे भी हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, तो चलो करते हैं। क्या है, x by 2 plus y by 3 equals 8 है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ हम ले लेंगे एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो अब इसे डिवाइड करेंगे, 2 3 6, ठीक है, एंड 3x 3x, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी तो आ जाएगा 2y equals 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x plus 2y equals 48, सॉरी, ओके। और यहाँ पे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 4 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से जो डिनोमिनेटर है वो 4 चला जाता है, या फिर आप एलसीएम ले लो, ज़्यादा बेटर है। एलसीएम 4 ले लिया -3, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 5x माइनस ये हो गया 12y, ठीक है, और ये है -3 है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया तो इतना आया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5x - 12y इक्वल्स हो जाएगा -12, ठीक है, इतना आया। अब ये 1 और ये 2 है, इसे एक साथ लिख लेते हैं, 3x नाउ दे दो बेटर होता है, प्लस 2y इक्वल्स 48 एंड 5x - 12y इज इक्वल टू -12, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ओके ओके। अब हम क्या करना है, हमें इसे कटाना है क्योंकि ये प्लस माइनस में जल्दी कट जाता है, तो यहाँ हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, 6 से, है ना, 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, तो 2 6 12 होता है, तो ये दोनों 12 12 और कट जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ 6 से कर लिया और यहाँ 1 से कर लिया, अब ये इस तरह हमने किया, फिर 6 3 18x प्लस 12y, और इस 48 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 हो गया एंड 288 आएगा, ठीक है। फिर 1 से इसे करेंगे तो 5x - 12y इज इक्वल टू -12, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय एडिंग करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये ऐड कर लेंगे, 18 + 5 3, और ये हो गया 223x हो जाएगा ना, हाँ। और यहाँ पे देखो ऐड ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्लस और माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही होगा, तो इसको हमें माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा 6, ये 7 और ये 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 276/23, अब इसे देखना है कि 23 से डिविजिबल है कि नहीं, ये इजिली डिविजिबल हो जाएगा, इसे हम काटेंगे 1 टाइम्स में तो, और इसके बाद ये जो तो ये जाएगा 46, और 46 23 टू जा 46, मतलब 12 टाइम्स में ही कट जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 12 आ गया। अब हम y का वैल्यू क्या करेंगे, x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, या तो इसमें पुट कीजिए या इसमें कीजिए, ठीक है। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 12 इन 1, ठीक है, 1 में पुट कर लेते हैं तो ये क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48 है, और यहाँ पे हमने 12 पुट करना है, तो 12 3 36, ठीक है, यहाँ पे हमने 12 पुट किया तो 12 3 36 हो गया, प्लस 2y इज इक्वल टू 48, दैट इज 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 - 36, इसको माइनस कर दें,
ये हो गया 12, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू 12 बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 6। यही दोनों आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 अब हम मूव करते हैं फिफ्थ नंबर पे। ओके क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ इस तरीके का है, 3x माइनस 2 बाई वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 4 बाई वाई इज इक्वल टू 4। इसको ना भी सिंप्लीफाई करना तो ये देखने से लग रहा है कि बन जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो टर्म्स है एकदम इक्वल से लग रहे हैं। यहाँ पे देखो माइनस भी है प्लस भी है, यहाँ सिर्फ 4 है यहाँ 2 है, तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 4 बाई वाई और ये भी 4 बाई वाई, तो ये दोनों कट जाएगा। तो ये क्या कर देते हैं, हम इजिली मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को 2 से और इसे 1 से, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 6x और ये हो जाएगा 2 2 4 4 बाई वाई और ये हो गया 10। ओके यहाँ पे भी करते हैं तो ये कुछ भी जैस जियो का त्यों रहेगा एज इट इज, 4 बाई वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो बाई एडिंग करके ये इजली वो हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा वाई, ठीक है। तो ये बाई माइनस 4 बाई वाई प्लस 4 बाई वाई क्रॉस हो गया और इसे ऐड करेंगे तो ये 7x और इसे ऐड करेंगे तो 14, दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 14 बाई 7, दैट इज 2। एक्स का वैल्यू 2 आ गया, वाई का वैल्यू इजली निकल जाएगा, किसी एक में पुट कर देते हैं वाई, ठीक है, वन नंबर में पुट कर देते हैं। पुटिंग मैं बार बार लिखना नहीं चाह रही हूँ, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 2 इन 1, तो मैं शॉर्ट भी कर सकती हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू हमने 2 ला दिया ना, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो 3 2 6 हो जाता है, 6 माइनस 2 बाई वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 5, ये 2 है, ठीक है, दैट इज माइनस 2 बाई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1। ओके और माइनस और माइनस कट गया तो 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई 1 जब वाई इज इक्वल टू 2, तो वाई इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। अब हम मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ओके तो 6 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल फिफ्थ की तरह ही है। यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन, अगर आप ये पूछते हो मुझसे कि क्यों आप सिंप्लीफाई नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंप्लीफाई अगर करके एक्स एंड वाई के टर्म में अगर लाएं सिर्फ तो वो टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको फटाफट करना है तो आप मेरे रूल फॉलो कीजिए, आपको सही लगेगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे भी देखो बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत ही ईजी सा दिख रहा है हमें। देखो 2 3 कॉमन थिंग्स भी मिल रहा है, आप किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस बार हम चलो वाई को ही एलिमिनेट करते हैं। तो वाई को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वाई बाई 6, है ना, 3 2 6 नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, और इसे 1 बाई 3 से कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा कितना वाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसलिए मैं इस तरह कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई हम करते हैं, 1 बाई 2 को x बाई 4 से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा x बाई 4, नीचे नीचे मल्टीप्लाई 2 2 4, ठीक है। अब इसे करते हैं तो क्या हो जाएगा y बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2, यहाँ करते हैं तो ये 3 3 9 x बाई 9 प्लस y बाई 6 2 3 6 इज इक्वल टू 1 बाई 3, 1 को 1 बाई 3 से करेंगे तो 1 बाई 3 आएगा। ओके ओके यहाँ पे थोड़ा धुंधला सा हो रहा है। ओके तो हमने यहाँ पे अब यहाँ पे हम बाई सब्सट्रैक्टिंग करेंगे, ठीक है, ये घटाने पर ही ये आएगा, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे घटाने पर लिखेंगे। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तीनों जगह माइनस कर दिए तो आप इस वाले प्लस को भूल जाइए बिल्कुल भी, आपको बस ये प्लस और ये माइनस दिखना चाहिए। तो ये हो गया कट गया और ये हो जाएगा कितना एक्स बाई 4 माइनस एक्स बाई 9 इक्वल्स 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, ठीक है, यही आएगा आपका। तो अब आप क्या करते हैं कि एलसीएम ले लीजिए, 4 एंड 9 का 36 हो गया, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आएगा, 4 9 36, ठीक है, 9x माइनस 9 4 36 4x, ठीक है, तो 4x ये हो जाएगा 5x, 9x माइनस 4x 5x बाई 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 3 6 माइनस 3 2 6, मतलब यहाँ पे 1 बाई 6 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे नीचे आप काट सकते हैं, इसे काटो तो ये हो जाएगा 6, है ना, जब इक्वल का साइन होता है और इस तरह तो नीचे नीचे क्रॉस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5x इज इक्वल टू क्रॉस करने पे 6, 6 1 6, ठीक है, दैट इज क्या आ गया, दैट इज x इज इक्वल टू 6/5, है ना, 6/5 x का वैल्यू आ गया। ओके अब इस x की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अच्छा मैं ये जो पार्ट है मैं यही लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू 6/5। अब इस x के वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसी में भी,
बाई सब्सट्रैक्टिंग को मिटा दूं, यहाँ पे आप लिख लेता हूँ बाई सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, पुटिंग पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 6/5 इन वन, वन में पुट कर लेते हैं। तो एक्स बाई टू था ना, प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू वन था, एक्स के जगह पे हम 6/5 पुट करते हैं, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 10, ठीक है। प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू वन, अब यहाँ पे वाई बाई थ्री इसी साइड में रखते हैं और 6/10 को उधर भेज देते हैं, तो 1 - 6/10 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 10 10 - 6 हो जाएगा, दैट इज 4/10 हो गया, ठीक है। दैट इज हमारे पास क्या आ गया, वाई बाई थ्री इज इक्वल टू 4/10, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो 10y इज इक्वल टू कितना हो गया 12, ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू 12/10। अब इसको काट के छोटा कर लेते हैं, तो ये 2 6 10 एंड 2 5, तो ये हो गया 6/5। तो y का भी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 6/5। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने फटाफट कर से कर लिया। तो एक्स और वाई का वैल्यू हमारा सेम आ गया 6/5 एंड 6/5। आप अगर चाहो तो इसे होल में भी चेंज कर सकते हो, तो 1 होल 1/5 होगा, है ना, 5, हाँ इस तरह भी होगा। तो यही आपका दोनों का रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आज हम रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो क्वेश्चन बच जाते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारा चैनल को देखते रहिए, अगर अगर कुछ अच्छा लगे, आप मेथड ऑफ टीचिंग पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। एंड सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको इजीली प्रोवाइड हो जाए। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर, बाय बाय।